तब हम करेंगे वेव मोशन यानी साउंड, जो आपके 11th के सिलेबस में था। यूनिट 16 फेज 1 का पहला सवाल, द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। क्या शर्त दी हुई है? सेकेंड ओवरटोन मतलब ही फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये हमें कंडीशन दी हुई है। सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओओपी इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ सीओपी। हमको बताना है ओपन पाइप की लेंथ, मतलब इसकी हमको लेंथ चाहिए, मान लो एल डैश, और इसकी लेंथ हमें पता है, इसकी लेंथ एल गिवन है। अब आपको कुछ रिकॉल करना पड़ेगा, मैं आपको याद दिलाता हूं, ये पाइप क्या कहलाता है? जैसे कहते हैं हम ओपन ऑर्गन पाइप, जो दोनों सिरों पर खुला हुआ सिलेंड्रिकल पाइप, इसमें एयर कॉलम होता है, इसे कहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। और इसकी लेंथ एल हो तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये होती है वी अपॉन 2L के बराबर। और एक सिरे पर यदि बंद है तो उसे कहते हैं हम क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वी अपॉन 4L के बराबर, जिसमें वी तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है, एल कॉलम की लेंथ है वो एयर कॉलम की, यहाँ 2 आता है यहाँ 4 आता है। तो इसको रिकॉल कैसे करेंगे? यदि मैं आपसे पूछूं कि बांसुरी की पिच ज्यादा होती है तबले की, बांसुरी एग्जाम्पल है, फ्लूट एग्जाम्पल है ओपन ऑर्गन पाइप का, और ड्रम एग्जाम्पल है क्लोज ऑर्गन पाइप का, तो फ्लूट और तबले में यदि हम कंपेरिजन करें तो फ्रीक्वेंसी यानी पिच हमको हाई मिलती है फ्लूट में, और यदि ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसका मतलब यहां आने वाली क्वांटिटी कम होगी, और यहां आने वाली क्वांटिटी ज्यादा ये कम हो जाएगा तो इसकी पिच कम होती है। ऐसे हम याद ला सकते हैं एक बात। दूसरी बात ये याद रखेंगे कि ओपन ऑर्गन पाइप में ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, मतलब इवन भी ऑड भी, इसे तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं वी बाई 2L। नेक्स्ट क्या मिलेगा? नेक्स्ट मिलेगा 2V/2L, उससे आगे 3V/2L, उससे आगे 4V/2L एंड सो ऑन। ऐसे सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं इन ओपन ऑर्गन पाइप, जबकि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में केवल ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ये याद रखेंगे, ऑड हार्मोनिक्स मतलब पहला तो ये V/4L फंडामेंटल, नेक्स्ट मिलेगा 3V/4L, इससे अगला 5V/4L, मतलब इवन हार्मोनिक्स इसमें नहीं होते। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। इसे क्या कहते हैं? सेकंड हार्मोनिक, क्योंकि ये इसका डबल है। या इसे कहते हैं फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक। वही हाल यहां भी होगा, ये फंडामेंटल, ये थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, इससे जो नेक्स्ट मिलेगा वो फर्स्ट ओवरटोन, पर ये क्योंकि फंडामेंटल का 3 times है इसलिए थर्ड हार्मोनिक, ऐसा इसका नोमेनक्लेचर होता है। बस इतनी जानकारी आपके पास है तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं? फर्स्ट ओवरटोन ऑफ सीओपी, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन मतलब ये 3V/4L, ये हो जाएगा क्योंकि इसकी लेंथ भी एल दी हुई थी। यहां पर हम मान रहे हैं ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ एल डैश है, और क्या बोला है? सेकंड ओवरटोन, तो सेकंड ओवरटोन ये है 3V। वी तो ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है दोनों में, स्पीड ऑफ साउंड है दोनों में एक ही होगा, पर लेंथ अब हमको एल डैश लिखना पड़ेगी, यहां पर हमको एल डैश की ही जरूरत है। ये 3V कैंसिल आउट होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2L डैश इज इक्वल टू 4L एंड सो L डैश इज 2L, और यही इसका आंसर है। सो द करेक्ट आंसर इज B। तो आप ये याद कर लेंगे बहुत अच्छे से कि ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल V/2L, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L, ओनली ऑड हार्मोनिक्स मतलब 3, 5, 7, 9 आर ओनली प्रेजेंट, 2, 4, 6, 8 नहीं मिलते हैं इसमें। और ये नॉमिनक्लेचर भी आपने देख लिया, इसे दोनों को क्या कहते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और नेक्स्ट इसका क्योंकि दुगना है तो ये सेकंड हार्मोनिक, ये 3 है थर्ड हार्मोनिक, 4 है फोर्थ हार्मोनिक, और इसके बाद जो नेक्स्ट मिलता है उसे फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, ऐसा इसका नॉमिनक्लेचर होता है।
तो इसे क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। पर ये फर्स्ट ओवरटोन, ये सेकंड ओवरटोन है, तो इसको रिवाइज कर लेंगे एक बार। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये नीट 16 फेज 1 का ही क्वेश्चन है, बीट्स का। थ्री साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड्स हैव फ्रीक्वेंसीज n-1 n+1, दे सुपरपोज टू गिव बीट्स। द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड विल बी, बीट्स प्रोड्यूस पर सेकंड मतलब बीट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो हमें याद आना चाहिए कि बीट फ्रीक्वेंसी होती है n1 और n2, मतलब उन दोनों सोर्सेस जिनको साथ में साउंड किया है उनकी फ्रीक्वेंसीज का पॉजिटिव डिफरेंस। n1-n2 इफ n1 इज लार्जर एंड n2-n1 इफ n2 इज लार्जर। यहाँ दो की जगह तीन सोर्सेस हमने एक साथ साउंड किए हैं, कौन कौन से हैं वो, n-1, फिर नेक्स्ट है n और फिर है n+1। तो साफ तौर पर ये सबसे छोटा है, फिर ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा। तो अब हमको बीट्स, बीट फ्रीक्वेंसी यदि चाहिए इन तीनों की मिलकर, तो पेयर्स में काम करेंगे। जैसे इन दोनों की बात करें, मान लो इसकी और इसकी, तो ये बड़ा है फ्रीक्वेंसी, बड़ी है n-n और -1, वो +1 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होके 1 आया, मतलब हमको एक बीट फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज मिल रही है। हर्ट्ज में ही आएगी वो, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड मतलब हर्ट्ज में आंसर आएगा, एक ये फ्रीक्वेंसी मिली 1 हर्ट्ज। सिमिलरली अब इन दोनों के लिए काम करें तो क्या होगा, तो होगा बड़ी फ्रीक्वेंसी मतलब n+1 -n, तो भी कितना आ रहा है 1 हर्ट्ज के बराबर। और यदि इन दोनों के बारे में आप बात करोगे n+1 -n+1, तो वो तो n आएगा ही नहीं उसमें, वो कैंसल आउट ही हो जाएगा, यानी कोई मतलब नहीं उसे निकालने का, यानी कॉमन जो फ्रीक्वेंसी है बीट फ्रीक्वेंसी वो 1 हर्ट्ज ही होगी, इसका आंसर भी 1 हर्ट्ज के बराबर होगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब ये नीट 16 की प्रॉब्लम बहुत ही आसान, बस दिखने में ही थोड़ी डिफिकल्ट है बहुत आसान। अ यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल एंड मास m1 हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। एक यूनिफॉर्म रोप जिसका खुद का अपना मास कितना है m1, हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। अ ब्लॉक ऑफ मास m2, एक मास यहां पर सस्पेंड कर दिया है दूसरे एंड पर, ब्लॉक ऑफ मास m2 इज अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द रोप। अ ट्रांसवर्स पल्स, तो ट्रांसवर्स पल्स का मतलब, पल्स क्या होता है, तो वो होता है पार्ट ऑफ वेव। कहना यह है कि यहां से एक ट्रांसवर्स वेव या ट्रांसवर्स पल्स जिसकी वेवलेंथ λ1 है इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड ऑफ द रोप। यहां पर λ1 वेवलेंथ वाला एक ट्रांसवर्स पल्स प्रोड्यूस हुआ। द वेवलेंथ ऑफ द पल्स व्हेन इट रीचेस द टॉप ऑफ द रोप इज λ2। जब ये ट्रांसवर्स वेव पल्स यहां पहुंचा तब उसकी वेवलेंथ हो गई λ2, ऐसा बोला हुआ है हमसे। हमको बताना क्या है, द रेशियो ऑफ λ2 to λ1। अब ये रेशियो निकालने के लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि इस ट्रांसवर्स पल्स की इस रोप में स्पीड कितनी है। तो स्ट्रेस स्ट्रिंग में वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, √T/μ, टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। तो मास पर यूनिट लेंथ तो इसका, क्योंकि यूनिफॉर्म बोला हुआ है, कांस्टेंट हो जाएगा। ये वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन हो जाएगी, और वेलोसिटी खुद क्या होती है, तो वेलोसिटी होती है n λ के बराबर। हमको इसी की जरूरत है। अब इसमें ये n भी कांस्टेंट है और ये म्यू भी कांस्टेंट है, तो हम कहेंगे लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। फिर समझाता हूं आपको, ये वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, √T/μ, और वेलोसिटी क्योंकि होती है n λ, उसमें n तो फ्रीक्वेंसी है कांस्टेंट रहेगी, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। ये हमको एक रिलेशन मिला, और इस रिलेशन के बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, λ2/λ1 इज इक्वल टू √T2/T1। अब थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन, यहां पर टेंशन कितना और यहां पर टेंशन कितना, तो याद रखें मास सस्पेंडेड × g उतना टेंशन होता है। जैसे यहां बात करोगे तो यहां पर टेंशन होगा m2g के बराबर, और यहां कितना होगा m1, क्योंकि इस रोप में मास है, m1 मास की रोप है, तो टोटल मास कितना सस्पेंडेड है इसके नीचे, m1 + m2 into g।
ये टेंशन होगा, यानी यहां पर क्या डाल देना है हमें ऊपर, टी टू इन प्लेस ऑफ टी टू विल राइट एम वन प्लस एम टू इन टू जी, एंड फॉर टी वन विल राइट एम टू जी, तो ये जी तो कैंसल आउट हो जाएगा, यही हमारा ये रेशो आ गया, ये रिक्वायर्ड रेशो था, लैम्डा टू बाय लैम्डा वन वुड बी रूट ऑफ एम वन प्लस एम टू बाई एम टू, रूट ऑफ एम वन प्लस एम टू बाई एम टू, एंड सो इज द करेक्ट ऑप्शन। अब करते हैं नीट 16 का ही एक और क्वेश्चन। एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर रेजोनेट्स विद अ ट्यूनिंग फोक व्हेन द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ कॉलम इज 50 सेंटीमीटर। ये बात हो किसकी रही है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की। तो आपको याद आया होगा कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में केवल ऑड हार्मोनिक्स ही मिलते हैं, सभी हार्मोनिक्स नहीं मिलते, केवल ऑड प्रेजेंट होते हैं। एक बात आगे क्या कह रहे हैं, द नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम रेजोनेटिंग विद द सेम ट्यूनिंग फोक इज। तो जब यहां पर ऐसे स्टेटमेंट में उसने स्मॉलेस्ट कहा था, तो हमको समझ में आना चाहिए कि ये फंडामेंटल है, और फंडामेंटल के करस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी है, 50 सेंटीमीटर, और इसमें केवल ऑड हार्मोनिक्स ही मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट 100 मिलेगा ही नहीं, उसका डबल नहीं होगा, ट्रिपल हो सकता है, मतलब 150 फोर टाइम्स फिर नहीं होगा, और 66.7 तो हो ही नहीं सकता, मतलब इसका आंसर बी सही है। मतलब थ्योरेटिकली भी आप आंसर कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को याद करके कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, जैसे हमने याद किया था ओपन ऑर्गन पाइप में V/2L, क्लोज्ड में V/4L, और केवल ऑड हार्मोनिक्स ही मिला करते हैं 1, 3, 5, 7, और यहां स्मॉलेस्ट लेंथ मतलब ये 50 सेंटीमीटर फंडामेंटल के करस्पॉन्डिंग है, तो इसके आगे डबल हो नहीं सकता, 3 times होगा, आंसर इज 150 सेंटीमीटर। अब ये नीट 2015 पेपर 2 का क्वेश्चन, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 75 सेंटीमीटर, इट इज ऑब्जर्व टू हैव रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ 420 हर्ट्ज एंड 315 हर्ट्ज, देर आर नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज बिटवीन द टू, द लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्ट्रिंग इज। तो ये थ्योरेटिकल ज्यादा है क्वेश्चन, मैथ्स बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हमको कैसे सोचना पड़ेगा, तो मैं आपको याद दिला दूं, वी इक्वल्स टू एन लैम्डा है तो आप जानते ही हैं, और स्ट्रेच स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं वी बाई लैम्डा, और वेलोसिटी स्ट्रिंग में कितनी होती है, वेलोसिटी स्ट्रिंग के लिए होती है स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए टी बाय म्यू, 1/λ रूट ऑफ टी बाय म्यू, ये सिर्फ आपको याद दिला रहा हूं मैं, इस तरह वाइब्रेशंस होते हैं उसमें, ये लैम्डा चेंज होता जाता है, फंडामेंटल कैसा होता है आपको मालूम है, याद होगा एल लेंथ की यदि स्ट्रिंग है तो इस तरह वाइब्रेट होती है, जब वो अपने फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट हो रही होती है, तब ये लेंथ स्ट्रिंग की ये किसके बराबर हो गई है, लैम्डा बाई टू के बराबर हो गई, तो लैम्डा 2L डाल देंगे यहाँ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, ऐसा सब आपने पढ़ा हुआ, और आपको याद आना चाहिए कि इसमें सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं ऑड इवन। अभी सवाल को सॉल्व करना है हमको, दो फ्रीक्वेंसीज हमको दी हुई हैं, पूछा क्या है लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मतलब फंडामेंटल पूछी हुई है, अब जब हमें यह याद आ जाएगा कि इसमें सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, मान लें लेट सपोज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज लोएस्ट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज एन सपोज, तो ये इसी का कोई हार्मोनिक होगा, मल्टीपल होगा, ये भी हो सकता है ये एक्स वहां हार्मोनिक हो एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका एक्स टाइम्स, यानी एन इंटू एक्स इज 315, और ये इसका कंसेक्यूटिव है नेक्स्ट है, तो इसे लिखना पड़ेगा हमको एक्स प्लस वन, यानी एन इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 420 हर्ट्ज, क्योंकि यहां कहा था कि इन दोनों के बीच और कोई नहीं है, देर आर नो अदर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज, बस ये दो इक्वेशंस मिली, हमारा एजेंडा है एन फाइंड करना, पर पहले एक्स फाइंड करेंगे क्या करके, इस इक्वेशन टू को वन से डिवाइड करके, इसे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू 420/315, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहां सॉल्व कर देता हूं मैं इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 315x प्लस 315 इक्वल्स टू 420x, इसको अब उधर ट्रांसपोज करेंगे, 315 है और ये कितना हो जाएगा, 315 85 और 20 105x, तो x आ जाएगा 3, और एक बार x आ गया तो x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो n निकल आएगा, तो n इंटू
3 is equal to 315 and so n comes out to be 315 upon 3 yani 105 hertz iska answer hoga and so the correct answer is D. Ab ye neat 15 ka hi question hai Doppler effect ka. A source of sound S emitting waves of frequency 100 hertz and an observer O are located at some distance from each other. ये सोर्स और ये प्रोड्यूस कर रहा 100 हर्ट्ज का साउंड, ये कहलाती है रियल फ्रीक्वेंसी, और एक ऑब्जर्वर है जो किसी डिस्टेंस पर है. आगे क्या कह रहे हैं, द सोर्स इज मूविंग विद स्पीड 19.4 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. ये दिखाया हुआ है सोर्स इस लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, किस स्पीड से, 19.4 मीटर पर सेकेंड से, किस एंगल पर, 60 डिग्री. इस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट, at an angle of 60 degree with the source observer line as shown in figure. The observer is at rest. इसको बताया हुआ है कि rest में है. The apparent frequency observed by the observer. Velocity of sound in air is 330 meter per second. तो Doppler effect का कोई भी सवाल हो हम इस formula से उसे solve कर सकते हैं. N dash equals to N V minus VO upon V minus VS. अब इसको समझते हैं. और Doppler effect का एक वीडियो मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पर ही, उसको भी आप देखेंगे यदि आपके पास समय हो तो, उसे भी देख लें थ्योरी का और उसके साथ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए हुए हैं वो भी देख लीजिए, अदरवाइज यहाँ भी आप सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए एन डैश जो है ये कहलाती है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, एन इज रियल फ्रीक्वेंसी, वी वेलोसिटी ऑफ साउंड, वी ओ इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वी एस इज वेलोसिटी ऑफ सोर्स. इसको यूज कैसे करते हैं, इसको यूज ऐसे करते हैं कि ये होता है सोर्स, ये होता है ऑब्जर्वर, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये लाइन कहलाती है लाइन ऑफ साइट. अब जैसे मैं एक केस आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, मान लो एक सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, क्या कहा मैंने आपने ध्यान से सुना, एक सोर्स साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है और ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ साउंड का निशान लगा लेना चाहिए. वेलोसिटी ऑफ साउंड कहां से कहां होगा, फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, ये ऐसा हो गया और फिर ऐसे हम यूज करेंगे एन डैश अपेरेंट एन, इसने जो प्रोड्यूस किया होगा साउंड उसकी रियल फ्रीक्वेंसी एन, फिर यहां ओ तो जीरो हो जाएगा क्योंकि मैंने कहा है ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो वी ओ तो जीरो हो जाएगा. अब इसका साइन तय करेंगे वी एस का, ये देखेंगे कि यदि वी एस वी की ही डायरेक्शन में तो इसे पॉजिटिव साइन के साथ डालेंगे तो नेगेटिव बरकरार रहेगा, एन डैश बराबर एन इंटू वी बाय वी माइनस वी एस से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. मान लो अब ऐसा कहें कि सोर्स एस वी एस से ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले वी का निशान सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ, ये वी का निशान फिर से यूज करेंगे, फिर से यदि ऑब्जर्वर रेस्ट तो ये तो जीरो, अब ये वी एस का साइन क्या देंगे, तो वी एस क्योंकि वी से ऑपोजिट है माइनस साइन के साथ यहां पुट करेंगे तो ये वी प्लस वी एस हो जाएगा, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. तो जब लाइन के अलॉन्ग मोशन हो रही होती तब तो ऐसा होता है, और यदि ऐसी वाली कोई प्रॉब्लम आ गई जब वेलोसिटीज इस लाइन से कुछ एंगल पर इंक्लाइन हो, तब हमको इस वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां ले लेना चाहिए. इसका इधर क्या होगा कंपोनेंट, 60 डिग्री है तो ये होगा वी एस कॉस 60, मतलब 19.4 इंटू हाफ कॉस 60 इज हाफ, ये होगा वी एस कॉस 60, वी एस इज 19.4 कॉस 60 इज हाफ, ये वेलोसिटी लेंगे और एक होगी परपेंडिकुलर वेलोसिटी, उससे कोई मतलब नहीं रहता है, लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर के अलोंग की वेलोसिटी लेकर हमको काम करना है. मतलब इस डायग्राम को हम रीड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, इसे दिखाएंगे क्या है ये सोर्स मूविंग विद 19.4/2, ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, फॉर्मूला फिर से यही लगाना है. तो मैं यहां पर इसे यूज कर लेता हूं फॉर्मूले को, एन डैश अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रियल, रियल फ्रीक्वेंसी हमको क्या बताई हुई है 100 हर्ट्ज, तो यहां तो आ जाएगा 100, यहां वी माइनस वी ओ, वी ओ तो जीरो है और वेलोसिटी ऑफ साउंड हमको 330 है अपॉन, यहां क्या आएगा 330 माइनस वी एस, और वी एस ये होगा 9.7, यहां 9.7 पुट कर देंगे और इसे सॉल्व करेंगे. तो अब अंदाज लगाएं कि 100 आ सकता है कि ये कि दोनों बराबर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, 100 आने का सवाल नहीं है ना, ये हो नहीं सकता,
ये हो नहीं सकता। ये कब होता? ये होता तब जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो यहां तो डिनोमिनेटर छोटा है, नहीं ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ये दोनों हो नहीं सकते, इन दोनों में से कोई है। अब आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। इसको आप 10 सपोज करके घटा लो, इसमें से 100 इंटू 330 अपॉन, इसे 10 सपोज कर लो तो अंदाज लग जाएगा, 320 हो जाएगा। ये एक जीरो कैंसिल आउट हुआ और ये 100 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आपको मिल जाएगा 103 हर्ट्ज के बराबर। आप कैलकुलेटर से भी करें या मैनुअली भी करेंगे तो आंसर इसका है 103 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई कि घट गई? बढ़ गई। तो डॉपलर इफेक्ट के सब सवालों को इससे सॉल्व करना चाहिए। और ये एक और टिप हो गई इसमें, यदि वेलोसिटी इंक्लाइंड है तो उसको लाइन ज्वाइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर की डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट्स लेकर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे। अब ये नीट 15 का क्वेश्चन कर रहे हैं, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो आपको याद आ गया होगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन 4 इनटू लेंथ ऑफ द पाइप। तो मैं इसको सी लिख देता हूं पहचान के लिए। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, और लेंथ हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू द सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। पहले मैं लिखता हूं उसकी फंडामेंटल, ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वी अपॉन 2LO, लिख देते हैं इसे। अब शर्त क्या बताई हुई है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप मतलब वी अपॉन 4LC, सी इज गिवन टू बी 20 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर है? सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप में सभी हार्मोनिक्स मिलते हैं, और सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन मतलब थर्ड हार्मोनिक, यानी ये हो जाएगा 3V अपॉन 2LO। हमको यही फाइंड करना है, वी कैंसिल आउट होता है। अब LO के लिए सॉल्व करेंगे इसे, तो LO क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 84 इंटू 20 इंटू 3/2 हुआ, ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो 120 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। इस तरह का सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब ये AIBMD 2014 का क्वेश्चन, इफ N1, N2 एंड N3 आर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ 3 सेगमेंट्स इनटू व्हिच अ स्ट्रिंग इज डिवाइडेड, देन द ओरिजिनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी N ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन। बाय बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। पहले हम ये जानते हैं कि स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी होती कितनी है। V इज इक्वल टू N लैम्डा के फॉर्मूले से V इज इक्वल N इज इक्वल टू V / लैम्डा। और अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फंडामेंटल मोड में वो स्ट्रिंग इस तरह वाइब्रेट होती है। कितना वेवलेंथ इसमें समाया हुआ है? λ/2। यानी कंडीशन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए बन गई λ/2 इक्वल्स टू L, यानी लैम्डा कितना हो गया 2L। ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये V/2L, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई किसी स्ट्रिंग की, V/2L। इसे याद रखना चाहिए। अब इस सवाल में क्या कहा उसने, एक स्ट्रिंग है, मान लो उसकी लेंथ है L, और उसको हमने किन्हीं 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया, L1, L2, L3। अब इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जब उसकी लेंथ L1 है? तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, वेलोसिटी तो सब में सेम रहेगी क्योंकि वेलोसिटी स्ट्रिंग में होती है √T/μ, टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, ये दोनों चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं। ऐसा मानते हुए N1 कितना होगा? तो वो होगा V/L1। N2, यदि सिर्फ इतना हिस्सा वाइब्रेट होता है तो फंडामेंटल क्या होगा? N2 इज इक्वल टू V/2L2, ये 2L1 होगा, ये 2L2 होगा, इसी तरह N3 हो जाएगा V/2L3। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हो गई करस्पॉन्डिंग टू दीज लेंथ L1, L2 एंड L3। और टोटल लेंथ इस स्ट्रिंग की कितनी है? L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3। यहाँ सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, V/2L1 यहाँ डालेंगे तो L1 कितना होगा? यहाँ से L1 वर्कआउट करो, L1 होगा V/2N1 प्लस, इसी तरह ये होगा V/2N2। सिमिलरली दिस विल बी V/2N3। और इसके करस्पॉन्डिंग यदि कंप्लीट लेंथ में यदि वाइब्रेट हो रही है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो इसी फॉर्मूले के बेसिस पर अपन इसी तरह लिख सकते हैं V/2N। अब इसमें से V/2 सभी में से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/N इक्वल टू आ जाएगा 1/N1 प्लस 1/N2 प्लस 1/N3।
मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो गया, ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कैपेसिटर्स इन सीरीज जैसा, या रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल जैसा फॉर्मूला हो गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब ये AIPMT 2014 का ही क्वेश्चन, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, द नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशंस ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, मतलब बात हो रही है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर हुज फ्रीक्वेंसी इज लाई बिलो 1250 हर्ट्ज आर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। तो हमको पता करना है कि इस क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जिसकी लेंथ 85 सेंटीमीटर है, जिसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड है, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल हैं जो 1250 हर्ट्ज से कम हो। तो हम रिकॉल करें कि किसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी अपॉन 4 टाइम्स द लेंथ ऑफ कॉलम। वेलोसिटी कितनी दी है 340 अपॉन 4 इंटू लेंथ इज गिवन टू बी 85 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मीटर बना लेंगे क्योंकि 340 वो मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब ये 4 टाइम्स यहाँ कैंसिल होता है, ये 4 से 4 कैंसिल होके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई 100 हर्ट्ज के बराबर। अब हमको क्या पता है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में केवल ऑड फ्रीक्वेंसीज ही पॉसिबल होती हैं, फंडामेंटल और इसके ऑड मल्टीपल्स, मतलब 100 या फिर 300 या 500 या 700 या फिर 900 या फिर 1100, और इसके ऊपर और हो जाएगा 11 के बाद, अब 1300 आएगा, पर 1300 1250 से ज्यादा हो जाएगा। हमसे वो फ्रीक्वेंसीज पूछी है विच आर लेसर देन 1250 हर्ट्ज, ये कितनी पॉसिबल हुई, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल है। सो आंसर इज डी। अब ये फिर से डॉपलर इफेक्ट का प्रॉब्लम 2014 में पूछा हुआ, अ स्पीडिंग मोटरसाइकिलिस्ट सीज ट्रैफिक जैम अहेड ऑफ हिम, ही स्लोस डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर। ये तो फालतू बात लिखी हुई है, स्पीडिंग मोटरसाइकिल सीज ट्रैफिक जैम अहेड ऑफ हिम, इससे कोई मतलब नहीं है। कहना यह है कि एक मोटरसाइकिलिस्ट 36 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो आपको मैं याद दिला दूं कि जब भी हमको कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, हम 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। सिर्फ मैंने आपको याद दिलाया, किलोमीटर पर आवर में स्पीड दियो तो इंटू 5/18 करो तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। हो सकता है हमको इसकी जरूरत पड़े आगे। क्या बोल रहे हैं आगे, ही फाइंड्स द ट्रैफिक हैज ईज्ड एट अ कार मूविंग अहेड ऑफ हिम एट 18 किलोमीटर पर आवर इज हॉन्किंग, हॉन्किंग मतलब हॉर्न बजाती हुई जा रही है, फ्रीक्वेंसी 1392 हर्ट्ज है। If the speed of sound is 343 meter per second, the frequency of honk as heard by him will be. तो अब बात ये हो गई है बस कि एक मोटरसाइकिलिस्ट है ये वो मोटरसाइकिलिस्ट, और वो मोटरसाइकिलिस्ट जा रहा है किस स्पीड से, तो हमने बोला था अभी आपसे 36 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, हमने उसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया है, 10 मीटर पर सेकेंड से ये मोटरसाइकिलिस्ट मूव कर रहा है, और उसके आगे एक कार है, यहाँ पर ये कार हो गई, और वो जा रही है कितने से, 18 किलोमीटर पर आवर से, फिर 5/18 करेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड से वो कार उससे आगे जाती हुई, और ये हॉन्किंग कर रही है, मतलब ये हॉर्न बजा रही है कार और आगे जाती जा रही है। तो ये बनेगा सोर्स और ऑब्जर्वर बन जाएगा ये मोटरसाइकिलिस्ट। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा VO, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सोर्स, और वेलोसिटी ऑफ साउंड कहां से कहां शो करेंगे हम, फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, दैट इज वी। और फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एन डैश इज इक्वल टू एन इंटू वी माइनस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। अब यहां दोनों मूविंग है, एन क्या है, तो एन उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो यहां दी हुई है 1392 हर्ट्ज। हमेशा याद रखो कि साउंड को कहां से कहां दिखाना होता है, फ्रॉम सोर्स टू ऑब्जर्वर, कोई भी कहीं जा रहा हो, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड, इसकी डायरेक्शन की वेलोसिटी पॉजिटिव साइन के साथ, और इससे ऑपोजिट जो होंगी वो नेगेटिव साइन के साथ में, इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में। वी ये स्पीड ऑफ साउंड है जो हमको गिवन है 343, तो 343 माइनस इस फॉर्मूले में आ रहा है,
और वीओ कैसा लेंगे, तो वीओ है ऑपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी प्लस या माइनस के साथ उसे डालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 343 माइनस वी एस। वी एस कितना हो जाएगा, वी एस विल बी 5, वो भी माइनस 5 क्योंकि वो भी उससे ऑपोजिट है, तो यहाँ प्लस 5 हो जाएगा ये। तो अब सॉल्व इसको करना है, 1392 इंटू ये कितना बन जाएगा 353 और ये 348, तो ऑब्वियसली ये एक से ज्यादा है, यानी आंसर जो है 1392 से ज्यादा ही होगा, यानी ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इन दोनों में से कोई होगा। और यहां पर जो ये रेशो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 1.1 के आसपास इसको होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1.1 से भी बल्कि कम है वो, तो ऑप्शन 12 हर्ट्ज ये सही होना चाहिए। और आप इसे कैलकुलेट करके देखिए, आंसर आपको यही मिलने वाला है, 1412 हर्ट्ज, यानी फ्रीक्वेंसी अपीयर होगी, इंक्रीज होती हुई। तो अब आगे बढ़ते हैं।